वंदे मातरम की गूंज से पूरे देश को सरोबर करने वाली बंगाल की धरती आज तृणमूल की गुंडागर्दी से त्रस्त हो चुकी है। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को मालदह में आयोजित चाय पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान लोगों से बातचीत में ये मंतव्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश की स्वाधीनता में भी बंगाल का स्थान सर्वोपरि था। यहाँ के नागरिक अत्याचार और अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोगों का वंदे मातरम का नारा इस धरती से गूंजा था, चार अंगुल उठाओ लोगों, और देश की आजादी का एक मंत्र बन चुका था। अन्याय के सामने लड़ना बंगाल की धरती का स्वभाव है, और आज ममता सरकार के द्वारा बंगाल की जनता को अन्याय हो रहा है। स्वास्थ्य की उसका अधिकार आयुष्मान भारत योजना यहाँ लागू नहीं हो रही, किसान का अधिकार किसान सम्मान निधि का लाभ बंगाल की जनता को नहीं मिल रहा है, और इसलिए मेरे बंगाल के प्रवास में मैंने देखा है जन जन में और नहीं अन्याय का नारा गूंज रहा है, और अगले दिनों में यहाँ शासन का परिवर्तन होगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और यहाँ की जनता अन्याय का बदला लेगी।